हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंजलि कुकिंग में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शादी और पार्टी जैसा कटहल और आलू की सब्जी। इसको बनाना एकदम आसान है, तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हम आलू और कटहल की सब्जी बनाने की रेसिपी शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ पे कटहल लिया है। कटहल को हमने पहले ही बॉईल कर लिया था हल्दी डालकर, और उसके बाद हमने इसको कट कर लिया है, तो थोड़ा सा सफ़ेद दिख रहा है। और ये हमने आलू लिया है, तो आलू को हमने बॉईल नहीं किया है, कच्चा आलू है, और इसको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। तो अब हम आलू को फ्राई कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल लिया है, ऑयल भी हमारा अच्छे से हीट हो गया है, धुआं निकल रहा है। तो अब हम इसमें आलू डाल देंगे और इसको हम मीडियम फ्लेम पे अच्छे से फ्राई करेंगे, क्योंकि आलू हमने यहाँ पे कच्चा यूज किया है, बॉईल नहीं किया है। तो इसको हमें फ्राई करने में 3 से 4 मिनट लग जाएगा और आलू भी हमारा अधपका हो जाएगा। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, 3 से 4 मिनट हो गया और आलू को हमने अच्छे से फ्राई कर लिया। देख रहे हैं ना, एकदम गोल्डन कलर आया है। तो अब हम इसको ऑयल से निकाल लेंगे, इससे ज़्यादा हम फ्राई नहीं करेंगे। और अगर आप बॉईल किया हुआ आलू का यूज कर रहे हैं तो उसको आप 1 से 1.5 मिनट ही फ्राई कीजिए हाई फ्लेम पे, और ऑयल को अच्छे से गर्म होने दीजिएगा। उसके बाद में बॉईल किया हुआ आलू डालिएगा। और ये देखिए, हमने इसी ऑयल में कटहल भी डाल दिया है, क्योंकि हमारा जो ऑयल है गर्म है एकदम, तो इसमें हम कटहल को भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और इसे भी हम लो फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे, हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी नहीं करना है, वरना हमारा जो कटहल है वो जल जाएगा। तो इसको हमें लो फ्लेम पे ही फ्राई करना है और कलर भी बढ़िया सा चेंज हो जाएगा इसका। और ये लीजिए, हमने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया। देख रहे ना, कटहल हमारा एकदम अच्छे से फ्राई हो गया, कलर भी इसका बहुत ही बढ़िया है, एकदम सुनहरा कलर आया है। तो इसे भी हम ऑयल से निकाल लेंगे। और अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, 1 चम्मच के करीब, और इसे हम थोड़ा सा हीट होने देते हैं। और जब तक हमारा ऑयल हीट होगा तब तक हम तड़के की तैयारी कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे लिए 2 मीडियम साइज का प्याज, 3 से 4 हरी मिर्च, इसको हमने लंबे पीसेस में कट कर लिया है, 2 से 3 तेज़पत्ता, और यहाँ पर हमने लिया है कुछ गर्म मसाले। और ऑयल भी हमारा अच्छे से हीट हो गया है, तो अब हम इसमें डालेंगे तेज़पत्ता और इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो अब हम डालेंगे इसमें गरम मसाला और इसे भी हम अच्छे से चटकने देंगे। गरम मसाले में हमने हरी इलायची और काली इलायची, दालचीनी, शहद, जीरा, यही सब लिया है। और अब हम डालेंगे इसमें हरी मिर्च, मिर्च का कलर हम थोड़ा सा चेंज होने देंगे। और ये लीजिए, मिर्ची का कलर भी चेंज हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे प्याज और इसे भी हम लो फ्लेम पर अच्छे से भुनेंगे, यानी कि प्याज को हमें सॉफ्ट करना है, इसका कलर चेंज नहीं करना है। और ये लीजिए फ्रेंड्स, प्याज भी हमारा सॉफ्ट हो गया, देख रहे ना। तो अब हम इसमें डालेंगे 2 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, ये घर का है, आप चाहे तो मार्केट का भी यूज कर सकते हैं, पर घर वाले अदरक लहसुन से टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है सब्जी में। तो इसे भी हमने लगभग 1.5 से 2 मिनट तक अच्छे से भून लिया है लो फ्लेम पर। और अब हम डालेंगे इसमें 3 मीडियम साइज का प्याज, बारीक चॉप किया हुआ। इसी के साथ में हम डालेंगे इसमें 1/2 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा जीरा पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, और अब हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच चिकन मसाला, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, हल्दी पाउडर। और अब हम इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, पहले बिना पानी को ही मिक्स करना है इसे। और ये लीजिए, हमने मिक्स कर लिया। तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, 3 से 4 चम्मच, और अभी तक हमने इसमें काली मिर्च पाउडर नहीं डाला है, तो अभी हम डाल देते हैं 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर, और इसे भी हम मिक्स कर देंगे। और अब हम इस पे ढक्कन लगा देंगे 15 से 20 मिनट के लिए, और इसको हम बीच बीच में चलाते भी रहेंगे। और ये लीजिए, 15 मिनट हो गया है, देख रहे ना, मसाले के किनारे से ऑयल भी निकलना शुरू हो गया है, यानी कि हमारा जो मसाला है वो अच्छे से पक चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे कटहल और आलू, दोनों को हम इसी में डालकर इसे भी हम लगभग 4 से 5 मिनट तक अच्छे से मसाले के साथ में पकाएंगे। तो पहले अभी हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसाले के साथ में। और ये लीजिए, हमने इसको मिक्स कर लिया है। तो अभी हम इस पर ढक्कन लगा देते हैं 6 से 7 मिनट के लिए, और इसको हम लो फ्लेम पर ही पकाएंगे, हाई फ्लेम पर नहीं पकाना है, और आलू भी हमारा अच्छे से पक जाएगा। लगभग 6 से 7 मिनट हो गया है, तो अब हम इस पे का ढक्कन हटा लेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम पानी इसमें डालेंगे ग्रेवी के लिए। ग्रेवी आप अपने अनुसार बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 2 ग्लास पानी डाला है ग्रेवी के लिए,
तो अगर आपको रोटी से खाना है तो ग्रेवी इसका थोड़ा गाढ़ा कर दीजिए, अगर आपको चावल से खाना है तो थोड़ा पतला कर दीजिए। तो अभी हमने इसमें एक चम्मच गरम मसाला डाला है, इसे हम मिक्स कर देंगे। और अब हम डालेंगे इसमें थोड़ी सी धनिया पत्ता, इसे भी हम मिक्स कर देंगे। और अब हम इस पर ढक्कन लगा देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। हमारा आलू भी हल्का सा कच्चा था तो आलू भी पक जाएगा और साथ ही में गरम मसाला भी पक जाएगा। और ये लीजिए 2 से 3 मिनट हो गया है, देख रहे हैं ना, इसमें अच्छे से बबल्स भी आ गए हैं। तो अब हम इस पे का ढक्कन हटा लेंगे और इसे हम एक बार मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए इसमें का आलू भी अच्छे से पक चुका है, कटहल तो हमने बॉईल किया था तो कटहल भी हमारा अच्छे से पका हुआ ही है। तो अब हम इसको सर्व कर लेंगे, देख रहे ना हमारा सब्जी एकदम बहुत ही बढ़िया लग रहा है, एकदम पार्टी जैसा लग रहा है, देख के मुँह में पानी आ गया ना। तो फ्रेंड्स आप भी एक बार मेरे तरीके से बनाइए कटहल और आलू की सब्जी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है, एकदम जैसे शादी और पार्टी में बनता है ना वैसे ही बनेगा। और अब हम इसको धनिया पत्ती से गार्निश कर लेंगे। और ये लीजिए हमने गार्निश कर लिया है, हमारा आलू और कटहल का सब्जी बनके रेडी हो गया है। फ्रेंड्स देखने में ये जितना बढ़िया लग रहा है ना, खाने में कई गुना ज़्यादा टेस्टी भी लगता है। और इसको बनाना भी आसान है, जैसे हलवाई लोग बनाते हैं ना एकदम वैसे ही बनाएंगे, बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनता है। आप भी बनाइए एक बार मेरे तरीके से और मुझे कमेंट्स करके बताइए कैसा बना है। और जितना हो सके उतना अपने पूरे फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और इसे आप चाहे तो रोटी, पराठा, पूरी या चावल किसी भी चीज़ के साथ खाइए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। अगर आपके घर में कोई मेहमान है तो आप मेरे तरीके से बनाइए आलू और कटहल की सब्जी और उनको पूरी के साथ गर्मा गर्म सर्व कीजिए, बहुत ही तारीफ करेंगे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है, एकदम जैसे हलवाई लोग बनाते हैं ना वैसे ही बना है। तो फ्रेंड्स जितना हो सके उतना आप मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और लाइक, कमेंट्स एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना भी ना भूलिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप देख लीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।